हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं दो बड़ी बहुत ही खबर लेकर आया हूँ, दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। पहली बड़ी खबर है आपके पेंशन में एरियर्स में बढ़ोतरी को लेकर के। आपको एरियर्स मिलने वाला है 2006 से जो भी पेंशन रिटायरमेंट है उस टाइम पर। साथ ही साथ दूसरा बड़ा अपडेट है आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस भी आपके उसके रिगार्डिंग कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि निकल कर आ रही है एंट्री पे लेवल, जो आपका एरियर्स है उसके रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2006 से पहले रिटायरमेंट हुए पेंशनर्स के लिए एंट्री पे लेवल का जो है एरियर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बहुत सारे पेंशनर्स ये पूछे थे कि क्या सर 2006 से पहले भी जो पेंशनर्स रिटायरमेंट हुए थे उनको भी एंट्री पे लेवल का एरियर्स मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसे पेंशनर्स जो 2006 के बाद में रिटायरमेंट हुए हैं उन्हीं को एंट्री पे लेवल का फ़ायदा मिलेगा। और एक फॉर्म फिल करना है एंट्री पे लेवल का, उसके फॉर्म फिल करने के बाद ही वो आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको जो एरियर्स बनेगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको वो फॉर्म फिल करें और आप चाहते हैं कि आपको वो फॉर्म मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप कमेंट में यस लिख देना, वहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। वो एंट्री लेवल फॉर्म होगा और वहाँ से आप एरियर्स आप सबमिट वहाँ से सबमिट करके एरियर्स आप ले पाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। तो आप सभी को पता है कि अभी तक एनपीएस से कवर्ड जो एम्प्लॉइज़ हैं जो रिटायरमेंट हुए हैं उनको अभी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस नहीं प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन अब एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो कि एनपीएस कवर्ड एम्प्लॉइज़ जो भी पेंशनर्स बने हैं उनको भी अब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन उसमें कई सारी एलिजिबिलिटी हैं, उन एलिजिबिलिटीज़ को कम्प्लीट करने के बाद ही पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को एनपीएस के अंडर जो रिटायरमेंट होंगे उनको भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में जो उनको पैसा मिलता है वो उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप भी अगर चाहते हैं कि वो फॉर्म डाउनलोड करें तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए, आपको एरियर्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। शेयर करने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।